अरे नमस्कार, सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। ये मेरा वीडियो सीधा सीधा बजरंग दल के गुंडों के लिए है। देखो भाई, गुंडे लोग देश को बर्बाद करने की जो कौम तुम लोगों ने खड़ी कर ली है, मेरे बारे में पता कर लेना पहले। गाली गलौज से और ये सब जो पीठ पीछे तुम लोग करते हो ना, ये सब करना कोई फायदा नहीं होगा। और मैं सीधा सीधा प्रधानमंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री साहब, आप हर जगह जाते हैं और हर जगह एक बात करते हैं, जिस भी देश में जाते हैं आपकी 10 में से 9 स्पीच में आपने एक चीज बोली है कि इंडिया इज अ यंग कंट्री, कम विद इंडिया, इंडिया इज द फ्यूचर। सर, ये फ्यूचर है? ये फ्यूचर बना रहे हैं आप, जो किसी गरीब किसी मजलूम आदमी को पीटते हैं भीड़ ले जाके? और सर दूसरी, ये जो आप लोगों ने कहावत शुरू कर रखी है ना कि भीड़ तंत्र में हम किसी को बुक नहीं कर सकते, सर ये गलत है, ये बहकाने की बातें हैं पूरे देश को। सर भीड़ की पूरी वीडियो बनती है। आपका मीडिया जो है ना, जो आपने खरीदा हुआ है, हो सकता है वो ये सब नहीं दिखाए, मगर व्हाट्सएप पे अमेरिका में ये वीडियो चल रहे हैं, अंग्रेज देख रहे हैं, एक बीबीसी पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी है काओ विजिलेंटेस पे, विच इज गिविंग अ वेरी बैड नेम टू इंडिया। एंड मैं आपको सीधी बात बोलता हूं सर, आपका भी नाम हिंदुस्तान के नाम से बड़ा नहीं हो सकता अगर आप इस गलतफहमी में रह गए हैं कि हिंदुस्तान को लोग बार रिकॉग्नाइज करेंगे बिकॉज ऑफ मोदी जी। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इफ दिस हैपन्स देन इट इज द सेम थिंग लाइक इन इराक, बिकॉज इराक वॉज रिकॉग्नाइज बाय सद्दाम हुसैन। इन लिबिया इट वॉज रिकॉग्नाइज बाय गद्दाफी, राइट? सो आर वी गोइंग इन द सेम ट्रेंड दैट अ कंट्री विल बी रिकॉग्नाइज बाय अ सिंगल नेम? तो सर फिर ये प्रजातंत्र खत्म कर दीजिए, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें जो दम है वो उसको पीटे पाटे, जो करे करे, उनकी बहन बेटियां उठाएं, उनके साथ बलात्कार करें। सर कोई भी अगर इसके अंदर कोई भी जाति का हो, मैं ये नहीं बोल रहा, कोई भी जाति का हो, चाहे वो जैन धर्म का हो, चाहे वो इसके अंदर मुस्लिम हो, कुछ भी हो, कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। सर आप अगर दबाते चले जाएंगे ना सर और झूठ बोलते चले जाएंगे तो झूठ के पांव नहीं होते, ये बात याद रखिए। सर मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, मगर हो सकता है तजुर्बा बिजनेस का आपसे ज्यादा है। मेरे को 30 साल हो गए सर मुझे एक धंधे में, और आपको 30 साल कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है आपका, और आप कंट्री को बिजनेस पे लेके जाना चाहते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस एंड विद दीज काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू हु आर गिविंग बैड नेम टू माई कंट्री। सर यू नीड टू स्टॉप देम, दैट्स ऑल। यू नीड टू स्टॉप देम एंड गिव देम अ हार्ड टॉक और बुक देम इन। इनको सर एक बारी पुलिस स्टेशन ले जाके टायर पे उल्टा लटका के, बर्फ की सिल्ली पे उठकर लटका के, इनके पिछवाड़े पे जब 2-4 नहीं पड़ेंगे ना, तो सर ये भीड़ ऐसे तितर बितर होती है ना, वो भी आप देख लीजिएगा। और वैसे भी सर हिंदुस्तान में भीड़ इकट्ठा करना बहुत आसान है आज की तारीख में, कोई भी हैशटैग चले जाइए भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मगर भीड़ के पास वो सवाल का जवाब नहीं है। इंटरव्यू देंगे सर, मैंने देखा है बड़े बड़े पत्रकार जा रहे हैं वहां पे भीड़ तंत्र के खिलाफ इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, मगर इनके पास ये बोलने की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री साहब इनको बंद करिए। या फिर एक बार बताइए सर, भीड़ अगर किसी भी नेता या एमएलए एमपी को इसी तरह ठोक दे तो फिर क्या करेंगे आप? सर बवाल कर देंगे आप लोग, जितने नेता लोग हो, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अखिलेश यादव जी का हो, क्योंकि उस टाइम आपके पिछवाड़े में आग लगेगी। तो सर दीज गाइज नीड्स टू बी स्टॉप इमीडिएटली। और मैं जितने भी हिंदू है ना पढ़े लिखे, मैं आप लोगों को एक सवाल करता हूं यार, इन लोगों के साथ चल रहे हो आप लोग? आर यू गाइज फूल और व्हाट? आप लोग जो अलीट इंडिया है, अलीट हिंदूज जो पूरे दुनिया में ट्रेवल करते हैं, दे गो टू लंडन, दे गो टू यूरोप, दे गो टू अमेरिका, हैव यू एवर सीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स? व्हाई डोंट यू गाइज स्पीक अप? देशद्रोही तो आप लोग हो गए यार, क्योंकि आप लोग गलत के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते। आप लोग तो देश को बैठ के चूस रहे हो, इसका मतलब सर ये ना तो ये टैक्स पेयर्स हैं, ना ये कोई काम धंधे करते हैं, बेरोजगार लोग हैं ये, बेवकूफ लोग। सर अगर ऐसे प्रोग्राम नहीं चलाए ना आप, जहां पे यंग इंडिया इन्वॉल्व नहीं हो, तो सर ये बहुत बड़ी बीमारी फैल जाएगी पूरे हिंदुस्तान में। सर अमेरिका के अंदर छुट्टियों में भी रोज 8:30 से 9:30 बजे के बीच में बच्चे 11वीं 12वीं के काम पे लग जाते हैं, कोई ना कोई, कोई किसी के कॉलोनी के घास काट रहा है उसके पैसे मिल रहे हैं, उसको पैसे की अहमियत समझ रहा है, कोई छोटे मोटे ढाबों में काम कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। सर अच्छे अच्छे करोड़पति के बेटों की बात कर रहा हूं मैं,
जिनकी ईयरली इनकम 10-10 करोड़ रुपए की होगी, कितने हैं दिल्ली में बैठे हुए जो कि क्लीन 10 करोड़ रुपीस कमाता है? कोई नहीं है सर, चोर उचक्के बैठा रखे हैं सब जगह, टैक्स चोरी करते हैं सर, सब काम करते हैं ये लोग, और आप सब इनको नहीं रोक रहे सर। मगर आपको क्या करना है, आपको लोगों पर टैक्स लगा के उनका और चीजें रोक देनी है। लगाइए टैक्स सर, किसने मना करा है, टैक्स लगाइए, 30% लगाइए, 50% लगाइए, मगर उससे कुछ आम आदमी को भी तो फायदा हो सर। एजुकेशन माफिया के अंडर, पूरा हेल्थ केयर माफिया के अंडर, पूरा लॉ माफिया के अंडर सर, पूरी पॉलिटिकल क्लास आधी से ज्यादा माफिया, क्या करेंगे टैक्स का सर? और ये ऊपर से बजरंग दल के गुंडे सर, मेरे वीडियो के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर इनकी गालियां बौछारें शुरू होगी जो आपने ट्रोल बिठा रखे हैं सर। इन ट्रोलों का कुछ नहीं हो सकता सर, इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। 5,000-10,000 रुपए में किसी की जिंदगी नहीं चल सकती सर। ये बेवकूफ हैं, इनको आप जो पैसे देते हैं ना, 2-500 रुपए जाके लेते हैं छोटी सी थैली, और वो पीते हैं थैली जाके, और फिर छोरियों को देखते हैं, उनको टापते हैं, उनके उनके बलात्कार ये लोग करते हैं। ये लोग ही हैं बलात्कारी सर, जो समाज का बलात्कार कर रहे हैं, जो औरतों का बलात्कार कर रहे हैं, और जो हिंदू चुप करके बैठे हैं। मैं आपको बताता हूं, किसी ने 100 साल पहले कहा था कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, और उस टुकड़े करने के देन में सबसे बड़ा जो रोल अपना कर रहे हो आप लोग, कर रहे हो कि आप लोग बोल नहीं रहे ना, आप लोग सोशल मीडिया, आप लोग डरपोक कौम हो, बेसिकली आप लोग डरपोक कौम हो और कंप्लेनिंग कौम हो। आपके पास ना तो सोल्यूशन है, कोई भी पत्रकार के पास ना तो कोई सोल्यूशन है ना कुछ है, कोई हिम्मत से बोल नहीं सकता इन लोगों को सर। मैं बोल रहा हूं ओपनली, मोहब्बत के दंगे का एक मेंबर, छोटा सा सर, मैं ओपनली बोल रहा हूं आपको, और इन बजरंग दल वालों को ओपनली चैलेंज करता हूं। मैं इंडिया आता हूं, मेरे साथ आओ तुम लोग, कभी मेरे सामने आओ, तुम्हें पता लगेगा अमेरिका का जोर कितना है। हाथ लगाओ तुम लोग, हाथ लगाने के बाद मेरी एक अम्बेसी है ना जो दिल्ली के अंदर शांति पथ पे, जहां पे तुम्हारे प्रधानमंत्री बैठते हैं, उसके पास प्रधानमंत्री नहीं रोक पाएंगे मेरी अम्बेसी को, तुम लोगों के खिलाफ जो हरकत होगी फिर तुम लोगों को पता लग जाएगा। प्रॉब्लम यही है सर कि अपने देश में कानून गरीब के लिए नहीं है, अमीर के लिए है। एक औरत सर एक गरीब ट्रक ड्राइवर को पीट रही है, पुलिस वालों वहां खड़े हैं, वो औरत उनकी धज्जियां उड़ा रही है पुलिस वालों की। सर कभी देखा है क्या आपने कभी? आप दुनिया में सर, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप किसी भी ट्रिप पे जाते हैं ना, किसी भी ट्रिप पे जाते हैं, आप किसी के प्राइवेट गेस्ट बन जाइए बाद में ट्रिप खत्म होने के बाद। आप ट्रम्प से मिलते हैं वॉशिंगटन में, कनेटिकट में, ट्राई स्टेट में, बहुत इंडियंस रहते हैं, बहुत गुजराती रहते हैं, आप किसी के प्राइवेट गेस्ट बन जाइए सर। कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है सर, यहां पे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। शाहरुख खान भी घूमता रहता है, कोई तवज्जो भी नहीं देता उसको। आप आराम से घूमिए, आप देखिए समझिए किस तरह एक समाज चलता है सर। हर कंट्री में प्रॉब्लम है सर, मगर प्रॉब्लम को बढ़ाया जा रहा है किससे? अपनी राजनीति से। प्रॉब्लम का हल नहीं है। यहां पे आके जरा बजरंग दल वालों तुम लोग कुछ करके दिखाओ। और तुम लोग यहां पे क्या, तुम लोग कहीं भी किसी और देश में जाओ और बोलो हम बजरंग दल वाले हैं, हम जो गाय रखते हैं उसको पीटना चाहते हैं, यहां के मस्जिद में इमाम को थप्पड़ लगा के दिखाओ, तुम्हारे पिछवाड़े पे इतने जूते पड़ेंगे ना, लाल हो जाएगा पिछवाड़ा, तुम्हें पता भी नहीं। जब वो 7 फुट का कल्ला तुम्हारे सामने खड़ा होगा ना पुलिस वाला, तो मुद्दों के पैंटों में तुम मजलूम बेचारे इमाम को थप्पड़ मार रहे हो, शर्म करो यार, शर्म करो। और मैं तो सबको बोलता हूं आज की तारीख में, इनके खिलाफ इनको पकड़ पड़ के अगर ये नहीं करती ना, अगर सर कानून काम नहीं कर रहा है अपने बच्चों के खातिर, इनको पकड़ के धो दो, क्योंकि अब क्या है, पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। हम किसी को भड़का नहीं रहे सर, मगर हमें करेक्शन चाहिए। अगर करेक्शन नहीं आएगा ना सर, यही होगा। इसी तरह करेक्शन किया था भगत सिंह जी ने, इसी तरह अशफाक उल्ला खान ने, इसी तरह राजगुरु ने, इसी तरह सुखदेव ने। भड़काया नहीं था सर, करेक्शन करवाया था। जब सियासत काम नहीं कर रही थी अंग्रेजों की सही ढंग से, तो उन्होंने भी पूरे हिंदुस्तान को बोला था भाई उठो इनको खदेड़ो। यही बजरंग दल वाले हैं सर, ये बजरंग दल वालों के इनके ये, इन्होंने हनुमान जी का नाम बर्बाद कर दिया सर। आज हनुमान जी ऊपर से देखते होंगे, रोते होंगे। इस तरह के जाहिल मेरे ये है लोग जो हमारे को फॉलो करते हैं। और सर कई हिंदू हैं वो आप लोगों को गालियां बक रहे हैं, खुद हिंदू वीडियो है सर, नाम दे दूंगा अगली बारी। उससे 1 घंटा मैंने बात भी करी थी, उसको समझाने की कोशिश भी करी, समझ में नहीं आती उसको। जाहिल किस्म के इंसान है सर ये सब। तो प्लीज फॉर गॉड से, अगर आपको अमेरिका के आसपास भी आ रहे हैं ना अगले 100 साल में सर, तो ये छोटा सा स्टेप ले लीजिए आप। और ये जो यंगिस्तान की आप इतनी बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं ना सर, वो मारना बंद कर दीजिए, कि आपका यंगिस्तान आप पे कंट्रोल में नहीं है। उसी तरह है जिस तरह के घर के बच्चे किसी के माँ बाप पे कंट्रोल में नहीं होते ना, उसी तरह आपका यंगिस्तान आप पे कंट्रोल में नहीं है, और ये सच है। और जितने मीडिया वाले ना, सुधर जाओ, तुम्हारे दिखाने नहीं दिखाने से कुछ नहीं होता। सारे के सारे वीडियो व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो छुपाना बंद करो झूठ को यार। तुम लोग झूठे मक्कार लोग हो तुम लोग, और जो मक्कारी का साथ देता है ना उससे ही बड़ा मक्कार होता है, जो झूठ का साथ देता है ना उससे भी बड़ा झूठा होता है। शुक्रिया।